तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होगा जब शिनचान के पापा होंगे स्पाइडरमैन। क्या स्पाइडरमैन शिनचान को भी अपनी तरह स्पाइडरमैन बनाएगा या फिर शिनचान को भी सामना करना पड़ेगा उसके दुश्मनों का, तो देखते हैं इस वीडियो में। हाँ तो गाइस फाइनली एक और दिन हो गया है और शिनचान हमेशा की तरह कोई ना कोई शैतान ही कर रहा होगा। इसको जल्दी से मैं ढूंढता हूँ कहाँ पर गया ये, और शिनचान कहाँ पर छुपा है तू? गाइस वापस भी नहीं आवाज दे रहा, घर से बार बार तो नहीं निकल गया ना, उसका कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी कहीं भी चला जाता है। एक काम करता हूँ घर के अंदर ही देखता हूँ उसे, कहीं ना कहीं तो मिलना चाहिए। एक सेकंड जरा मैं जल्दी से चॉप के पास जाके पूछता हूँ। अरे चॉप तो नीचे ही खड़ा है, जल्दी से नीचे जाता हूँ। अरे चॉप शिनचान कहाँ पर है? अरे मुझे क्या पता, मेरे से क्या पूछ रहे हो? क्यों तू घर में नहीं रहता क्या? इतना तेरे को पता ही होना चाहिए ना घर के सारे लोग कहाँ पर है और किधर पे है। कुत्ता किस बात का है फिर तू? हाँ कुत्ता किसका बोला तू? कुत्ता तेरा बाप कुत्ता। अरे भाई यार क्या ही बोलू, मैं तेरे को गाली वाला कुत्ता नहीं बोला था, डॉगी वाला कुत्ता बोला था। अच्छा तो ऐसा बोलो ना। खैर तुम बात तो सही कह रहे हो, ध्यान तो रखना चाहिए मुझे, लेकिन छोड़ो क्या ही कर सकते हैं। कर तो कुछ नहीं सकते। एक सेकंड सामने मेरे को दिख रहा है शिनचान बैठा हुआ। अरे क्या हो गया शिनचान? मैं हूँ एक मासूम सा बच्चा। फिर से इसकी नौटंकी शुरू होगी लगता है। अरे क्या चाहिए तेरे को बताना, ऐसे उदास क्यों बैठा है? अरे रहने तो फ्रेंड भैया, आप नहीं समझोगी। मैं क्यों नहीं समझूंगा यार, मेरे साथ तू रहता है और मैं ही नहीं समझूंगा तेरे को, बता तो सही हुआ क्या है? अरे लोग मेरे से प्यार नहीं करते। ऐसा किसने बोला तेरे को? इतने सारे लोग तो तेरे को प्यार करते हैं और तू कह रहा है लोग तेरे से प्यार नहीं करते? अरे ऐसी बात है क्या? तो फिर अभी भी कई लोग बिना सब्सक्राइब करे ही वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब वो मेरे को अपना दोस्त नहीं मानते। अरे ऐसा किसने बोला तेरे से? कई सारे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है और उसके बाद वीडियो देख रहे हैं। अरे वो तो मेरे दोस्त है ही, पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। अरे गाइस आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा वरना ऐसे उदास बैठा रहेगा। तो देख मैंने बोल दिया इन लोगों से, अब तो उठ जा। अरे ऐसे नहीं उठूंगा मैं। अच्छा तू बता कि क्या चाहिए तेरे को उठने के लिए? अरे सच में आप दिलाओगे जो चीज मांगूंगा? और नहीं तो क्या, तू खड़े तो ये हुई ना बात, चलो इसी बात पे मेरे को मेरी मनचाही चीज दिला दो। खैर चौको भी के अलावा और तू मांगने भी क्या वाला है? हाँ तो बता तेरी मनचाही चीज क्या है? अरे आप तो जानते ही हो 10,000 चौको भी। पता था मेरे को कि तेरे को 10,000 चौको भी चाहिए होगा, लेकिन यार इतनी सारी चौको भी खाएगा तो दांतों में कीड़े लग जाएंगे। अरे क्यों, आपके पहले लगे थे क्या? नहीं मेरे तो नहीं लगे, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ तुझे। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, जो लोग चौको भी से चिढ़ते हैं वो लोग ये बातें करते हैं ताकि हम जैसे बच्चे ऐसी चीज नहीं खाए और फिर देखते ही देखते चौकू भी बिकनी बंद हो जाए। अरे भाई का क्या बातें सोच लेता है तू, ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉक्टर बोलता है ये बात। अरे देखो डॉक्टर बंदर की बातों पे वैसे भी विश्वास नहीं करता। अबे डॉक्टर बंदर नहीं बोलता, दांतों का डॉक्टर बोलता, दांतों का। अच्छा तो फिर मैं अपने दांतों से ही पूछ लेता हूँ। अरे सुनो मेरे दांतों, अगर मैं चौकू भी खाऊंगा तो क्या तुम में कीड़े लगेंगे? अरे कैसी बात कर दी तुमने शिनचान, तुम में कीड़े कैसे लग सकती है? देखा फ्रैक्टर भैया इन्होंने क्या बोला। शिनचान मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ यार, मेरे सामने खड़े होकर बता यार तू ऐसी बातें कर रहा है, दांत बोल थोड़ी सकता है। अरे तो मैं क्या करूँ कि मैं चौकू भी खा लूँ इतनी सारी? क्या बताओ शिनचान अब क्या ही कर सकते हैं। अरे आपके नाक को खींच के हाथी की सूंड बना सकते हैं। मैं हूँ एक मासूम सा बच्चा। अब फालतू के ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, बकवास करेगा तो फिर ऐसे ही होगा। अबे ड्रामे करना छोड़ो और मेरे को ये बता कि आप चले कहाँ पर? अच्छा चलो जाओ, आपको माफ किया, अभी ये बताओ कि कहाँ पर चलना है हमें? ये तो मुझे भी नहीं पता, एक सेकंड चॉप को बुलाता हूँ। चॉप इधर आ। अरे क्या है फ्रैंकलिन, किस काम से बुला लिया मेरे को? अब किसके जूते चप्पल ढूंढने हैं मुझे? अरे किसी के जूते चप्पल नहीं ढूंढने, मैंने तो बस इसलिए बुलाया क्योंकि यहाँ पर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ पर जाएं। अरे तुम्हें बताओ ना कहाँ जाएं। और नहीं तो क्या चॉप, मैंने भी इनसे ही बोला। मैं तो कह रहा हूँ कि कोई घूमने की जगह नहीं है क्या अच्छी सी? अरे घूमने की क्या जगह जाना है, अवेंजर्स के घर पे चलो, वहाँ पर मैं आज फिर से देखूंगा किसी अवेंजर के साथ पूरी जिंदगी बिता के। हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है, थोड़ा मेरा भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा तेरी वजह से। बिल्कुल सही बोला, मजा तो आता ही होगा। और नहीं तो क्या, बहुत ज्यादा मजा आता है। हाँ तो चल फिर चलते हैं जल्दी से, यहाँ से निकलते हैं। वैसे फ्रैंकलिन भाई एक बात तो बताओ। क्या शिनचान बोल। अरे रास्ते में एक्शन कामिन की चड्डी की दुकान भी पड़ती है, एक चड्डी तो दिला दोगे ना मेरे को? वो क्या है ना, कई दिनों से मेरी चड्डी में एक ब्लैक होल बना हुआ है। अबे ब्लैक होल नहीं, उसे केवल होल कहते हैं। अरे हाँ एक ही बात है, कल जब मैं भाग रहा था तब अचानक से मेरी चड्डी ही फट गई। वो तो अच्छा मेरी पैंट नहीं फटी थी, वरना फालतू में मेरी बेइज्जती वगैरह हो जाती। अरे ठीक है समझ गया, दिला दूंगा तेरे को चड्डी। अरे भाई साहब कितने गंदे एक्सीडेंट होते हैं ना ये लॉस सांतोस की सड़कों पे। अरे वैसे फ्रैंकलिन भाई मेरी चड्डी फटी हुई है, और आप गाड़ी ऐसे चलाते हो कि मेरी पैंट भी फट सकती है। अबे पैंट क्यों फटेगी तेरी, तू तो अंदर बैठा है ना एकदम सेफ। अरे क्या फ्रैंकलिन भैया, आप भी ना बिल्कुल बेवकूफों वाली बातें करते हो, आप मेरे मजाक को समझते ही नहीं हो, यही तो सबसे बड़ी बात है। अबे हर समय तो तू मजाक ही करता रहता है, कभी सीरियस होकर बात करी भी है तूने? अच्छा ठीक है अभी करता हूँ। देखो फ्रैंकलिन भैया कभी भी अपनी गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसे मुंह पे बोल दो कि हाँ आपसे वो ही है। देखा इस लाख रुपए की बात का ध्यान रखना आप। लाख रुपए की बात, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से कर रहा है तू? अरे आप मेरे बारे में जानते नहीं हो, मैं हुई इतना बड़ा इसलिए बातें तो बड़ी करूंगा ही ना। क्या अभी हम पहुँचने वाले आयरन मैन के घर पे, वो भी गुलाटियां मार मार के, लोगों की गाड़ी का टायर घूमता है, हमारी पूरी गाड़ी घूम रही होती है। मुंह बंद रख तू अपना, बकवास करा लो बस। चल अब जल्दी से हम आ गए हैं आयरन मैन के पास, अब जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कुछ हो पाएगा आज की नहीं, मतलब आज देखते हैं कि तू कौन से अवेंजर के साथ जाएगा। आजा चल जल्दी से नीचे चल। अरे हाँ जल्दी से चलो। आयरन मैन और बताओ कैसे हो तुम? अरे मैं तो बढ़िया हूँ फ्रैंकलिन, तो आज
बताओ आज कौन से विंजर के साथ रह के देखेगा शिनचैन? ये तो शिनचैन से पूछना पड़ेगा तुम्हें। अरे बताता हूँ। हाँ जल्दी से बताओ। मैं तो कह रहा हूँ क्या किसी ऐसे विंजर के साथ रहता हूँ जो कि बिल्कुल ही अलग हो सबसे। बिल्कुल ही अलग? एक काम करते हैं तो तू हल्क के साथ चले जाना। अरे हल्क के साथ तो मैं जाऊंगा, लेकिन क्यों ना मैं आज स्पाइडरमैन के साथ जाऊँ। स्पाइडरमैन के साथ? हाँ वैसे बुरी चॉइस तो नहीं है तेरी, स्पाइडरमैन के साथ तू जा सकता है। अरे क्या बात कर रही हो फ्रैंकलिन, मेरी तो ऐसी तैसी कर देगा ये। हाँ स्पाइडरमैन वो तो तुम्हारी होने वाली है, पर तुम चिंता मत करो वापस तो तुम आ ही जाओगे ना। हाँ ये बात है, क्या मैं भी देखता हूँ कैसा लगता है बाप बनके। हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ कि एक बार ट्राई करना तो बनता है, तो जाओ जल्दी से बैठो उस मशीन के अंदर। आयरन मैन टीवी लगा दो जल्दी से यहाँ पर ताकि हम भी देख पाए कि क्या हो रहा है वहाँ पर। हाँ एक सेकंड, कर रहा हूँ यार। हाँ तो गाइस टीवी भी लग गया है यहाँ पर, यहाँ खड़ा हो गया है स्पाइडरमैन और यहाँ पर है हमारा शिनचैन। चलो अब जल्दी से मशीन को स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं शिनचैन की तू स्पाइडरमैन की तरह बन पाता है या फिर स्पाइडरमैन ही तेरे को बस बताता रह जाएगा। अरे चिंता मत करो, अगर मैं स्पाइडरमैन का बेटा बनूंगा तो स्पाइडरमैन तो बनूंगा ही ना। हाँ वैसे ये बात तो है, तो चलो अब जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं मशीन, जल्दी से जाओ। अरे हाँ जल्दी से चलता हूँ। गाइस शिनचैन तो गायब हो गया और यहाँ से स्पाइडरमैन भी जा चुका है। अब जल्दी से खड़ा हो जाता हूँ मैं टीवी के सामने। अरे जल्दी से देखते क्या होगा। हाँ चॉप तो स्टार्ट करते हैं टीवी को। अरे एक सेकंड, ये हम कहाँ पर आ गए? अरे देखने में तो ये लॉस सैंटोस ही है। अरे एक सेकंड, ये तो मेरी पार्किंग है। अरे तुम्हारी पार्किंग? मेरे को तो लगा था तुम्हारी पर्सनल पार्किंग होगी। अरे शिनचैन तुम तो जानते ही हो कि अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ बस, सुपर हीरो तो मैं ऐसे ही बन गया तुक्के में। तुक्के में तो लोग पेपरों में पास होते हैं, पर तुम तो सुपर हीरो ही बन गए। कितनी घटिया किस्मत है तुम्हारी। घटिया नहीं उसे बढ़िया कहते हैं। अरे हाँ एक ही बात है, चलो जल्दी से बाहर चलते हैं। बाहर नहीं अंदर। अरे हाँ एक ही बात है, तुम भी ना स्पाइडरमैन फालतू में ही इतनी गलतियाँ करते रहते हो। गलतियाँ मैं नहीं तुम कर रहे हो, और अब मुझे स्पाइडरमैन मत बोलो, आज से मैं तुम्हारा डैड हूँ। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था डैड। अरे एक सेकंड, ये कार तुम्हारी है क्या? पापा जी नहीं केवल डैड बोलो। अरे हाँ डैड ये कार आपकी है क्या? हाँ मेरी है। अरे मेरे को भी चलानी है एक बार, चला सकता हूँ क्या? आप अपने बेटे को ही नहीं दिखाओगे क्या? अरे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, देख लो चला के, मैं भी बैठ रहा हूँ साइड में ताकि तुम कोई गड़बड़ ना करो। अरे चिंता मत करो आपकी गाड़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं बचेगी। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि आपकी गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा? अरे हाँ एक ही बात है। डरा ही देते हो तुम तो। अरे वाह कितनी ज्यादा फास्ट चलती है ये तो कूद भी सकती होगी ना? हाँ बहुत आराम से। अरे वाह क्या तेज कूदी, मजा ही आ गया, देखते हैं स्टंट मारेगी कि नहीं। एक सेकंड सामने खंबे है, थोड़ा ध्यान से। अरे चिंता मत करो डैड मैं सब संभाल लूंगा। अरे वैसे हम गाड़ी में जाएंगे कहाँ पर? अरे चिंता मत करो, हमें यहाँ से सीधा ट्रेनिंग के लिए जाना है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तुम एक आम इंसान रहो, तुम भी मेरी तरह स्पाइडरमैन बनो। अरे सच में क्या? फिर तो मजा ही आ जाएगा, जल्दी से ले चलो मेरे को जिम की तरफ। अरे हाँ ले जाऊंगा, लेकिन तुम मेरी गाड़ी को ऐसे उछालना बंद करो। अरे मैं तो चेक कर रहा था कि आपकी गाड़ी छत पे चढ़ पाएगी आपकी तरह। अरे बिल्कुल चढ़ पाएगी, इसके अंदर स्पेशल टाइप के बूस्टर्स लगे हैं जो किसे कूदने पे मजबूर करते हैं, और ये अच्छे तरीके से जंप भी कर पाती है। इतना ही नहीं उड़ भी सकती है। अरे उड़ सकती है तो मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, अब तो उड़ा के ही ले जाऊंगा। अरे 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 उड़ाओ मत इसे, ऐसे नहीं उड़ेगी, अभी इसके अंदर रॉकेट नहीं लगे। वो ऐसी बात है क्या? तो पहले बोलते ना, आधी बात बताओगे तो ऐसा ही होगा ना। अरे जल्दी से ले चलो। स्पाइडरमैन खुल रखा है तेरे कच्चे का चैन। ये तुम क्या कह रहे हो, मेरे कॉस्ट्यूम में कहीं पर भी चैन नहीं होते। अरे तभी तो मैंने कच्चे का चैन बोला, अब मेरे को पता नहीं था कि तुम्हारी पर्सनल पोस्ट ऑफिस की दुकान है। एक काम करो नैना को दीदी को मेरा लेटर दे देना। मुंह बंद रखो तुम, कितनी बकवास करते हो, इतनी बकवास में तो कोई इंसान पागल ही हो जाए। अरे चिंता मत करो मैं लोगों को पागल नहीं करता, बल्कि लोग खुद ही पागल हो जाते हैं। तुमने मेरा गाना नहीं सुना क्या? पागल ये पागल वो, पागल कर दी जहाँ पिए जाए, तो यही तो मेरा टैलेंट है लोगों को पागल करना। खैर अब मैं क्या ही बोलूं, एक काम करो जल्दी से हम यहाँ से निकलते हैं और सीधा चलते हैं जिम की तरफ, बहुत देर हो गई बकवास करते हुए। अरे जिम जाना था क्या? मैं तो फालतू में ही आइसक्रीम की दुकान पे ले जाता अभी। अच्छा है आपने मेरे को याद दिला दिया। हाँ अब जल्दी से चलो यहाँ से, इससे पहले कि देर हो जाए। अरे हाँ लेके चलता हूँ। अरे वाह हम तो पहुँच गए जिम। अरे एक सेकंड ये तो वेनम है। अरे ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और इसे पैन किसने रखा है? रुको हमें देखना होगा। हाँ देखते हैं। तो कैसे हो तुम शिनचैन? अरे एक सेकंड ये वास्तव जानी पहचानी सी है। मुझे तो पहचानते ही होगे तुम। अरे हो कौन तुम, वेनम से बाहर निकल के दिखाओ ना। अरे इतनी सी बात अभी करता हूँ, कैसे हो तुम शिनचैन? अरे मेरे को पता ही था कि ये रोड पे पड़ी हुई आइसक्रीम जैसी शक्ल वाला ही होगा। क्या बोला तुमने मेरे को, रोड पे पड़ी हुई आइसक्रीम? और नहीं तो क्या, इस कूप में सजी हुई थोड़ी बोलूंगा, जैसी शक्ल है वैसा ही तो बताऊंगा। मुंह बंद रखो तुम, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। मैं तो यहाँ पर ये बताने आया था कि अब वेनम मेरे कब्जे में है, और मैं जब चाहे तब तुम्हें मजाक चखा सकता हूँ। अरे हिम्मत है तो बिना वेनम के लड़के दिखाओ ना। हाँ बिल्कुल सही बोला। बिना वेनम के मुझे बेवकूफ समझा है क्या? तुम चाहते हो कि मैं ये शक्ति को छोड़ दूँ, और वेनम को छोड़ दूंगा मैं तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, और फिर तुम लोग मुझे आराम से पीट पाओ, है ना? अरे नहीं हम तुम्हें आराम से पीटेंगे नहीं, बल्कि हम तुम्हें जान से मारेंगे। ऐसा थोड़ी बोलना होता है शिनचैन। अरे तो हमें ये बोलना चाहिए था कि हम उसे नहीं पीटेंगे, बस वो हमें वेनम दे दे। वो ऐसी बात है क्या, देख रहे हो ना तुम पैनी भाई, स्पाइडरमैन के खतरनाक चाल तुमसे वेनम छीनने की। ये क्या कर रहे हो तुम, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। अच्छा ठीक है।
अरे आवाज कैसे निकाल रहे हो तुम? अरे वो मैं थोड़ा सा दिमाग लगा रहा था अपना। ऐसे थोड़ी दिमाग लगाते हैं यार, तुम जाने दो। तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या होता है पंगा लेना हमसे। शिनचान यहाँ से जल्दी से भागो। अरे जल्दी से बैठो तो फिर कार में। हाँ जल्दी से बैठो। हे रुको तुम। हम नहीं रुकने वाले, जल्दी जल्दी चलो यहाँ से। अरे तो हमारे पीछे पड़ गया। अरे तुमने तो मेरे को कार से भी निकाल लिया। अरे वापस बुला लिया। अरे कर क्या रहे हो तुम मेरे साथ? तुम्हें मारने की तैयारी। अरे स्पाइडरमैन बचाओ ना, अपने बेटे को पिटता हुआ देख रहे हो। अरे आया एक सेकंड, रुको शिनचान, तुम्हें अब मैं बचाऊंगा। कहाँ पर हो तुम वेलम के बच्चे? सामने तो आओ, अभी दिखाता हूँ तुम्हें ये पेनीवाइज ने वेलम के ऊपर कब्जा कैसे करा। वेलम को छोड़ दो, ये लो ये खाओ। कैसा लग रहा है? और खा के अभी बताता हूँ। अब तो तुम्हें जान से ही मारूंगा। ए, मुझे छोड़ो, तुम ये खाओ ये खाओ, ये लो ये खाओ, ये भी और ये भी और ये लो। अरे भागते का हूँ, रुको, लगता है भाग गया। शिनचान तुम ठीक तो हो ना? अरे हाँ स्पाइडरमैन, मेरे को थोड़ी कुछ होगा, तुम्हारी तो हड्डियाँ ठीक है ना? कहीं पता चले कोई हड्डी टूट गई हो वेनम से लड़की। मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी, और शुक्रिया मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। अब जल्दी से मेरे साथ चलो, हमें कुछ करना होगा ताकि वेनम कुछ भी ना कर पाए। अरे ऐसा क्या करेंगे हम? पेनीवाइज से वेनम लेके आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम्हारी ट्रेनिंग भी तो रह रही है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, जल्दी से चलो। अरे बैठता हूँ। हाँ तो चलते हैं। अरे वाह, अब जल्दी से जिम के अंदर चलते हैं। अरे कितना ज्यादा बड़ा जिम है ये तो। चलो शिनचान अब काम पे लग जाओ, तुम्हारी ट्रेनिंग आज से स्टार्ट करते हैं। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला, जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 बहुत बढ़िया शिनचान, बिल्कुल ऐसे ही। और इसके बाद शिनचान ने काफी ट्रेनिंग करी और ऐसे ही देखते देखते वो बड़ा हो गया। चलो शिनचान और तेज भागो। अरे हाँ डैड, भाग रहा हूँ मैं। धीरे धीरे करके मेरे अंदर की स्किल्स भी इम्प्रूव हो गई। अब मैं भी काफी दूर तक छलांग मार लेता हूँ, वो भी बहुत आराम से। पता नहीं पर डैड अपना सूट कब देंगे। हाँ शिनचान बेटा, अब मैं ये कह सकता हूँ कि तुम मेरे सूट के काबिल बन चुके हो, तो आज से मैं अपना सूट तुम्हें देता हूँ। और एक बात का ध्यान रखना, वेनम की ऐसी तैसी करनी है तुम्हें, मतलब वेनम के अंदर छुपे पेनीवाइज की। अरे चिंता मत करो, उसे तो बाहर निकालूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हुई ना बात, ये लो मेरा सूट आज से तुम्हारा। अरे वाह, अब जल्दी से पहन लेता हूँ इसे। अरे इसमें तो बिल्कुल ही अलग फील होता है ना? जल्दी से ट्राई करके देखता हूँ इसे। तो आखिरकार तुम लोग मुझे मिल ही गए आज। अरे पेनीवाइज, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे हम, कहाँ पर थे तुम इतने दिनों से? आज चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे अंदर से वेनम निकाल के तो रहेंगे हम। तुम्हें क्या लगता है कि तुम में इतनी ताकत होगी कि मुझसे लड़ लो? तुमने शिनचान को ट्रेनिंग भले ही दी हो, पर वेनम के सामने वो कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे को जानते नहीं हो। अभी दिखाता हूँ तुम्हें, ये लो ये खाओ ये लो। इतने से घूसे से मेरे को कुछ नहीं होने वाला, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे मारते हैं। इतने जोर के कैसे मार सकते हो तुम? वेनम में सच में ताकत होती है, पर कुछ भी हो अभी बताता हूँ तुम्हें। तुम क्या मुझे बताओगे? ये लो। अरे लगता है अभी से दिखाना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। ये लो ये खाओ, आया मजा? ये लो एक और बारी लो, ये लो ये खाओ, ये भी खाओ, अभी आएगा तुम्हें मजा जब मैं ये मारूंगा। अरे ये खाओ, नीचे क्या जा रहे हो? ये पकड़ो, ये लो ये भी लो, अभी बताता हूँ तुमको। मुझ पे तो पत्थर गिर गए। अरे कहाँ गायब हो गए? अरे एक सेकंड, ये तो नीचे खड़ा है, अभी बताता हूँ इसे। रुको शिनचान। अरे एक सेकंड। अरे हाँ वेनम, तुम तो ठीक हो गए? हाँ बिल्कुल सही समझे, मेरे ऊपर से वो निकल के भाग चुका है। अरे पर कहाँ पर? वो देखो सामने। अरे अभी उसे पकड़ता हूँ, इधर आओ तुम, अभी तुम्हें बताता हूँ। ये लो ये खाओ। अरे मुझे छोड़ दो। अरे ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा, और ये भी लो ये लो। अरे लगता है मर गया, अब जल्दी से चलो मेरे डैड के पास, उन्हें भी बताते हैं कि मैंने फाइनली तुम्हें बाहर निकाल लिया। हाँ जल्दी से चलो। अरे तुम आ गए शिनचान। अरे हाँ डैड, और देखो मैं किसको लाया हूँ साथ में। किसको? और बताओ पीटर कैसे हो तुम? अरे तुम तो सच में वेनम को ले आए, ये हुई ना बात, सच में कमाल कर दिया तुमने। चलो शिनचान फाइनली हमने पेनीवाइज को मार के भगा दिया। अरे हाँ डैड बिल्कुल सही बोला आपने, अब जल्दी से वापस लॉस सैंटोस चलते हैं, हमारे वापस जाने का टाइम आ गया है। अरे हाँ ये बात तो बिल्कुल सही बोली। अरे वाह फाइनली वापस आ गया मैं, और मैं अभी वापस आ गया। हाँ चलो तुम दोनों वापस आ गए, चलो अब जल्दी से बाहर तो आजा मशीन से। अरे वैसे मजा ही आ गया स्पाइडरमैन बनके। हाँ स्पाइडरमैन का बेटा बनेगा तो फिर स्पाइडरमैन तो बनेगा ही ना, ये भी सही बात है। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लाऊं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से कमेंट करो ओपी। तो चल शिनचान आप तेरे को कुछ बोलना है लोगों से? हाँ गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और आज भी मैं करूंगा 30,000 लाइक्स का। मुझे पता है हमेशा की तरह सही पूरा करवा दूंगी, तो प्लीज भी जल्दी पूरा करवा देना। और हाँ अगर आपको मेरे से बात करनी है तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर इन दोनों पे फॉलो कर सकते हो, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। तो गाइस मैं फिर से मिलूंगा आपसे किसी ऐसी खतरनाक एडवेंचरस वीडियो के साथ, और फिर से सीरीज के अगले वाले पार्ट के साथ। वैसे पेनीवाइज की तो ऐसे तैसे कर दी तुमने लास्ट में। अरे हाँ तो उसकी असलियत में भी ऐसी ऐसी तैसी करने का मन करता है। हाँ यार किसी दिन पकड़ के कर देंगे ऐसी ऐसी तैसी।